गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आप मुझे उम्मीद है कि आप लोग अपने अपने घरों में स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। तो क्लास नाइन्थ में फिजिक्स में जो आपका पहला चैप्टर है, उस चैप्टर का नाम है मोशन। तो आज की क्लास में जो टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन, those topics will be we'll try to understand what is motion, then us motion ko hum describe kaise kar sakte hain, we'll try to understand that. uske baad hum dekhenge ki agar motion along a straight line hai, koi object car cycle straight line mein chal rahi hai, to usme motion kis type ki ho sakti hai, that we will understand. यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, इसके बारे में आई होप आप लोग वाकिफ हैं। एक बार हम फिर से डिस्कस करेंगे इसको। स्पीड, वेलोसिटी क्या होती है, स्पीड क्या होती है, ये टर्म्स आपने सुनी हुई हैं, लेकिन अब हम इसको थोड़ा और साइंटिफिक वे में एक्सप्रेस करने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, राइट? तो मोशन, वर्ड का मतलब आप लोगों को बहुत बेहतर तरीके से पता है। मोशन का मतलब है कुछ भी जो रुका हुआ नहीं है, जो गतिमान है, चल रहा है, दैट इज समथिंग कॉल्ड मोशन। फॉर एग्जाम्पल, फ्लाइंग बर्ड, मूविंग कार, रनिंग हॉर्स, राइट? मतलब कोई भी चीज जो चल रही है उसे हम मोशन कहेंगे, राइट? तो मोशन में हम मोशन को डिस्क्राइब किस तरीके से कर सकते हैं, उसको समझने से पहले हमें दो टर्म्स एक बार हम फिर से समझ लेते हैं। ये दो टर्म्स हैं, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ठीक है? तो हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे, बट लेट अस फर्स्ट डिफाइन व्हाट इज मोशन। लेट अस फर्स्ट डिफाइन व्हाट इज मोशन, क्या होता है मोशन, कब हम कहेंगे कि कोई ऑब्जेक्ट जो है वो चल रहा है, वो मोशन में है। सो वी कैन से कि कोई भी ऑब्जेक्ट है उसे हम मोशन में तब कहेंगे जब उसकी पोजीशन चेंज हो, इफ देयर इज चेंज इन पोजीशन, जब उसकी पोजीशन चेंज हो तब हम कहेंगे कि जो ऑब्जेक्ट है वो मोशन में है। फॉर एग्जाम्पल, ये पेन यहां पर रखा हुआ है टी इक्वल टू जीरो पर। अभी मैंने देखा कि ये पेन यहां पर रखा हुआ है और किसी ने इसको मूव किया और ये पेन थोड़ा सा थोड़े टाइम के बाद यहां पर आ गया है, इसकी पोजीशन चेंज हुई, यहां से यहां आया है, सो दैट पेन वॉज इन मोशन। अगर इसकी पोजीशन लगातार चेंज हो तो क्या होगा, ये हमसे दूर चला जाएगा, दूर जाता जाएगा या पास आता जाएगा, इसकी पोजीशन लगातार चेंज होती जाएगी, राइट? तो हम कहेंगे कि दैट इज इन मोशन। सो इफ वी वॉन्ट टू प्रॉपरली डिफाइन व्हाट इज मोशन, वी सिंपली कैन से दैट मोशन इज डिफाइंड एज द चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इफ द ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग इट्स पोजिशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम चेंज हो रहा है, टाइम के साथ साथ पोजिशन भी चेंज हो, ठीक है, तो हम कहेंगे कि जो ऑब्जेक्ट है वो मोशन में है। फॉर एग्जाम्पल, आप गाड़ी में बैठे हैं, तो गाड़ी में जब आप बैठे हैं तो आपको बाहर जितनी भी चीज़ें आप देखते हैं वो चलती हुई दिखती हैं, तो वो जो पेड़ हैं जो आपको पीछे जाते हुए दिख रहे हैं, दे आर ऑल्सो इन मोशन विद रिस्पेक्ट टू यू। लेकिन वहीं जो पेड़ है, अगर कोई बाहर पर्सन ग्राउंड में खड़ा है, वो देख रहा है उन पेड़ों को, तो उसे वो रुके हुए दिखेंगे, क्यों? क्योंकि पेड़ की पोजीशन उसके रिस्पेक्ट में चेंज नहीं हो रही। तो जो मोशन है वो एक रिलेटिव टर्म है,
ये डिपेंड करती है कि जो नाप रहा है, जो मेजर कर रहा है मोशन को, वो कहाँ पर है, क्या वो मूव कर रहा है या स्टेशनरी है, कौन मूव कर रहा है, हम कुछ नहीं कहते। बट ऑब्जर्वर और जिस चीज़ को भी ऑब्जेक्ट ऑब्जर्व कर रहा है, सिस्टम, अगर उनकी पोजीशन चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, देन वी विल से दैट ऑब्जेक्ट इज इन मोशन। अगर आप गाड़ी में बैठे हैं, गाड़ी में आप बैठे हैं, आपके साथ आपका दोस्त बैठा है और गाड़ी चल रही है, तो आपके दोस्त के बीच में और आपके बीच में जो दूरी है वो निश्चित वही रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। तो आप ये कहेंगे कि जो ऑब्जेक्ट, जो आपका दोस्त है, वो रेस्ट में है विद रिस्पेक्ट टू यू, बट आप दोनों जो हैं बाहर ग्राउंड में, कोई ऑब्जेक्ट खड़ा हुआ है, कोई पर्सन खड़ा हुआ है, उसके रिस्पेक्ट में आप लोग मोशन में। रेस्ट जो है, इट इज जस्ट अपोजिट ऑफ मोशन। जो रेस्ट है, इट इज जस्ट अपोजिट ऑफ मोशन, रुका हुआ। तो किसी ऑब्जेक्ट को, किसी बॉडी को हम कब कहेंगे कि वो रेस्ट में? सिंपल, जब उसकी पोजीशन चेंज ना हो, व्हेन देयर इज नो चेंज इन इट्स पोजीशन। टाइम चेंज होता रहेगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम आगे बढ़ रहा है, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा, लेकिन उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है। आप एक जगह बैठे हैं, आप किसी पेड़ को देख रहे हैं, देखते रहिए पेड़ कौन सा चल के जा रहा है। सो दैट ट्री विल बी इन द स्टेट ऑफ रेस्ट बिकॉज इट्स पोजिशन इज नॉट चेंजिंग। आई होप यू हैव अंडरस्टूड वट इज मोशन, वट इज रेस्ट। नाउ लेट अस मूव ऑन टू डिस्टेंस। देखिए, फिजिक्स में जो है दो टाइप की फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं। अभी फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है? फिजिकल क्वांटिटी हम उसे बोलते हैं जिसे हम मेजर कर सकें, विच कैन बी मेजर्ड, जिनको हम नाप सकते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। अब आपको अगर कोई कहे कि भाई इस पेन की लेंथ नापिए, आप स्केल से नाप लेंगे डायरेक्टली। लेकिन अगर कोई आपको कहे कि चांद से लेकर धरती तक का डिस्टेंस नापिए, नहीं नाप पाएंगे आप, उसके लिए हम इनडायरेक्ट मेथड यूज करेंगे, राइट? तो हर चीज, लेकिन दे बोथ आर फिजिकल क्वांटिटी बिकॉज इट कैन बी मेजर्ड, राइट? तो फिजिकल क्वांटिटी दो टाइप की होती है, वन इज योर स्केलर क्वांटिटी, अदर इज योर वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज विच हैव मैग्नीट्यूड ओनली, वेयर एज वेक्टर क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। स्केलर क्वांटिटीज के पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, वेक्टर क्वांटिटीज के पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होंगे, राइट? तो हम डिस्टेंस को समझने की कोशिश करते हैं, इसके बाद हम अपने आप समझ जाएंगे कि कौन सी क्वांटिटी स्केलर है, कौन सी क्वांटिटी वेक्टर है। सो डिस्टेंस, सपोज करो ये एक ग्राउंड है, इस ग्राउंड में एक छोटा सा बच्चा है, वो यहां पर है, सपोज इस पॉइंट पर है, पॉइंट ए पर। यहां से ये बच्चा चला इधर आया पॉइंट बी पर, फिर ये खेलता खेलता यहां पर आया पॉइंट सी पर, और फिर खेलता खेलता यहां पर आ गया पॉइंट डी पर। बीच में ये होता है, इस तरीके से मूव कर रहा हूं। तो किसी भी पॉइंट पर आप ये नहीं बता पाएंगे कि इसकी डायरेक्शन क्या है, मतलब ये जो कोई कहे कि भाई ये जो भी इसने पाथ कवर किया है, इसकी डायरेक्शन क्या है। सो डिस्टेंस हैज नो डायरेक्शन। तो डिस्टेंस है क्या, पहले हम समझ तो लें। डिस्टेंस इज द टोटल पाथ लेंथ, कि वो जिस भी रास्ते से गया है, उस रास्ते को आप स्टेप बाय स्टेप टोटल मेजर करें कि टोटल पाथ लेंथ कितनी है, दैट टोटल पाथ लेंथ इज कॉल्ड डिस्टेंस। सो डिस्टेंस इज टोटल पाथ लेंथ, बट इस पाथ लेंथ की कोई डायरेक्शन नहीं है, क्योंकि डायरेक्शन बार बार चेंज हो रही है, राइट? सो डिस्टेंस इज अ स्केलर
क्वांटिटी, इट इज डिफाइंड एज टोटल पाथ कवर्ड, इट इज डिफाइंड एज टोटल पाथ कवर्ड और टोटल पाथ लेंथ. फॉर एग्जाम्पल 50 मीटर, 100 सेंटीमीटर. तो डिस्टेंस को हम किस में नापते हैं? मीटर्स में. इसकी जो SI यूनिट है वो मीटर है. इट इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड इट इज डिफाइंड एज टोटल पाथ लेंथ. नाउ लेट अस मूव ऑन टू द डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? इसी एग्जांपल को हम दोबारा से ले लेते हैं. बच्चा जो है ए से बी गया, बी से सी गया, डी गया, बीच में टेढ़ा मेढ़ा मूव कर रहा था, यहां पर आके बच्चा मान लो रुक जाता है. तो डिस्प्लेसमेंट जो है इट इज द शॉर्टेस्ट पाथ. डिस्टेंस क्या था? टोटल पाथ. डिस्प्लेसमेंट क्या है? शॉर्टेस्ट पाथ. बच्चा कहां से शुरू हुआ, कहां पर रुका, हमें सिर्फ दो चीजों में इंटरेस्ट है. कहां से शुरू हुआ, स्टार्टिंग पॉइंट, कहां पर रुका, एंडिंग पॉइंट. आप स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट के बीच में आप स्ट्रेट लाइन से इन दोनों को जोड़ दीजिए, दिस इज द शॉर्टेस्ट पाथ, राइट? एंड दिस इज डिस्प्लेसमेंट, दिस इज डिस्प्लेसमेंट. ठीक है, अगर बच्चा जहां से शुरू होगा वहीं पर आकर रुक जाता, गोल चक्कर करके या स्क्वायर कंप्लीट कर लेता, कोई भी फिगर कंप्लीट कर लेता, जहां से शुरू हुआ वहीं पे खत्म हो जाता, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाती? डिस्प्लेसमेंट वुड हैव बीन इन दैट केस जीरो, बट डिस्टेंस जीरो नहीं होता, क्योंकि डिस्टेंस जो है इट इज टोटल पाथ लेंथ, राइट? सो वी कैन डिफाइन डिस्प्लेसमेंट एज इट इज द शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ. बट एक और डिफरेंस है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में, इट हैज डायरेक्शन. अब आप कहेंगे डायरेक्शन कौन सी सर? डायरेक्शन सिंपल है कि आप स्टार्टिंग पॉइंट देखिए, एंड पॉइंट देखिए, डायरेक्शन विल बी फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट टू एंड पॉइंट. इट हैज डायरेक्शन एंड इट विल बी डिस्क्राइब बाय एरो कि कहां से कहां जा रहा है. ए से डी आया है तो एरो शुड बी फ्रॉम ए टू डी, डी टू ए नहीं होगा. सो डिस्प्लेसमेंट हैज डायरेक्शन. नाउ एग्जाम में आप लोगों से एक सिंपल क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में फर्क बताइए आप. पहला, ये स्केलर क्वांटिटी है, डिस्टेंस इज स्केलर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी, राइट? सेकंड डिफरेंस, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव. ये पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, राइट? थर्ड डिफरेंस में आप इनकी डेफिनेशन लिख सकते हो कि इट इज टोटल पाथ कवर्ड, इट इज शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड, राइट? नेक्स्ट लेक्चर में हम इनके बीच में और डिफरेंस कुछ क्वेश्चंस करेंगे जिसमें हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे, राइट?